हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एन टी ए यू जी सी नेट पेपर वन दो हजार तेईस से रिलेटेड जो मोक टेस्ट सीरीज है उसके मोक टेस्ट फोर्टीन के बारे में जहाँ पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पंद्रह से ज़्यादा एम सी क्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इन नाइनटीन फोर्टी एट फोर्टी नाइन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डैश यानी कि सौ अड़तालीस किसके तहत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था इनमें से फ्रेंड्स ऑप्शन राधा कृष्ण कमेटी यानी राधा कृष्णन समिति इसके अंडर जो है उन्नीस सौ में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड टेन प्लस टू प्लस थ्री पैटर्न ऑफ एजुकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द डैश यानी कि शिक्षा का 10 प्लस दो प्लस तीन पैटर्न किसकी सिफारिश से उत्पन्न हुआ था यह उत्पन्न हुआ था फ्रेंड्स ओरिजिनेट हुआ था 10 प्लस टू प्लस थ्री का पैटर्न एजुकेशन का ऑप्शन भी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 सिक्सटी टू सिक्सटी

सेक्शन थर्ड यूजीसी एक्ट 1956 का डीम्ड यूनिवर्सिटीज को इंडिया की इस्टैब्लिश किया गया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज डैश यानी कि राज्यों देशों या पूरी दुनिया में फैले डेटा संचार प्रणाली डैश है यह इन है इनमें से ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क इन शॉर्ट वैन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डैश इज अ लार्ज नेटवर्क दैट यूजली स्पैन सेवरल बिल्डिंग्स इन द सेम सिटी और टाउन की एक डैश एक बड़ा नेटवर्क है जो आमतौर पर एक ही शहर या शहर में कई इमारतों का विस्तार करता है इनमें से वो है ऑप्शन मैन यानी कि मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो की एक लार्जर नेटवर्क है जिसमें इंक्लूड है सेवरल बिल्डिंग्स यानी कई बिल्डिंग्स सेम सिटी में या फिर टाउन में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक मेल इन शॉर्ट ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इन शॉर्ट ईमेल को इन्वेंट किया है इनमें से ऑप्शन सी रे टॉमलिन ने जहां पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इन शॉर्ट ई मेथड है किसका एक्सचेंज करने का आदान प्रदान करने का मैसेज को मेल को किन के बीच में लोगों के बीच में यूज करके किसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन विक्रमशिलार यानी कि विक्रमशिला किस सम्राट द्वारा स्थापित की गई थी विक्रमशिला की स्थापना की गई थी इनमें से वो एम्पर थे ऑप्शन डी किंग धर्मपाल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कौटिल्य ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी यानी कि वेयर डिड द कौटिल्य फेमस राइटर ऑफ अर्थशास्त्र गेट हिज हायर एजुकेशन ये उन्होंने प्राप्त की थी कि उन्होंने कौटिलिय ने जो कि अर्थशास्त्र के फेमस राइटर हैं उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की थी इनमें से ऑप्शन है तक्षशिला में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स यानी कि स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम कितने भाग में हैं इनमें से स्वयं पर होस्ट किए गए जो कोर्सेज हैं वो कितने क्वाड्रेंट्स में हैं इनमें से ऑप्शन बी फोर यानी कि चार जहां पर फ्रेंड्स जो कोर्सेज होस्ट किए जाते हैं स्वयं पर वो चार क्वाड्रेंट्स में हैं चार पार्ट्स में हैं जिसमें नंबर वन है वीडियो लेक्चर सेकेंड है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटीरियल अवेलेबल है जिसको डाउनलोड किया जा सकता है और वो प्रिंटेड फॉर्म में भी मौजूद है थर्ड है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो किसके थ्रू होता है टेस्ट और क्विजेस के थ्रू और फोर्थ एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम है मंच है क्लियर करने के लिए डाउट्स को यानी कि संदेहों को दूर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवल्प्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एन डैश विद द हेल्प ऑफ गूगल इनकॉर्पोरेटेड एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड जो करंट प्लेटफॉर्म है स्वयं का उसको विकसित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा एनपी यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग और साथ ही साथ ऑप्शन है आई मद्रास द्वारा किसकी हेल्प के साथ गूगल इनकॉर्पोरेटेड और प्रसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की हेल्प के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन इन एंश इंडिया डैश वॉज वेरी फेमस एज अ सेंटर ऑफ ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री साइंस यानी कि प्राचीन भारत में डैश भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था इनमें से वो है ऑप्शन डी तक्षशिला एंश इंडिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस थी सेंटर ऑफ ट्रेनिंग किसमें इंडियन मिलिट्री साइंस में यानी कि प्राचीन भारत में तक्षशिला भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द प्रोटोकॉल इन शॉर्ट एम ओ पी वन वॉज हेल्ड यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल एमओपी फर्स्ट के लिए पार्टियों की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के लिए आयोजित की गई थी इनमें से ऑप्शन सी कनाडा के मॉन्ट्रियल में जहां पर फ्रेंड्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के लिए यह हुई थी मॉन्ट्रियल में कनाडा के 28 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच 2005 में और साथ ही साथ किसके साथ हुई थी जब

क्योटो प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस कौन सा है इनमें से वो है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 इन हुज रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज हैव बीन इन बिग सिटीज लाइक बॉम्बे कैलकटा एंड मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन यानी कि किसकी सिफारिश में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालय को बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में स्थापित किया गया है इनमें से ऑप्शन डी सर चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटीज़ को इस्टैब्लिश किया गया है बिग सिटीज़ में जैसे कि बॉम्बे कैलकटा और मद्रास में और किस मॉडल पर जो है इस्टैब्लिश किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन के मॉडल पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डैश इज यूज टू डिस्कवर स्टूडेंट प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज और डेफिशिएंसीज इन अ कोर्स यानी कि डैश का उपयोग पाठ्यक्रम में छात्र की समस्याओं कठिनाइयों या कमियों की खोज करने के लिए किया जाता है इनमें से वो है ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका यूज किया जाता है डिस्कवर करने के लिए स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को डिफिकल्टीज को और डेफिशिएंसीज को कोर्स में और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन शॉर्ट एम डी जी फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर कौन सा एमडी जी केंद्रित है इनमें से वो है ऑप्शन बी एम डी जी टू यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेकेंड जो फोकस करता है केंद्रित है किस पर प्राइमरी एजुकेशन पर यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो हाउ मेनी एमडी जीज आर देयर यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है हमारा तो आठ मिलेनियम गोल्स थे जहाँ पर फ्रेंड्स ये एट इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से थे नंबर वन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन सा था टू रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाना सेकेंड गोल है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना थर्ड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना फोर्थ एम डी जी है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करना फिफ्थ एम डी जी है टू इम्प्रूव मटर्नल हेल्थ यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना सिक्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन सा है वो है टू कॉम्बैट एच आई वी और एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज यानी कि एच आई वी एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सिक्स सेवेंथ गोल किसके लिए है टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल किसके लिए है टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना तो फ्रेंड्स ये जो है वो एट इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स हैं किसके अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंडर जहां पर फ्रेंड्स हर एक गोल के स्पेसिफिक टारगेट्स थे और डेट्स थी अचीव करने के लिए उन टारगेट्स को इसके अलावा फ्रेंड्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था 2000 से लेकर 2015 तक देन इसके बाद 2016 में इसको रिप्लेस कर दिया गया और किसने रिप्लेस किया इसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पंद्रह से ज्यादा एमसीक्यूज को डिस्कस किया नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो